स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें ध्वजारोहण कर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने राष्ट्रगान कर कार्यक्रम संपन्न किया। इस कार्यक्रम में आगरा शहर के सपा पार्टी अध्यक्ष वाजिद निसार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी शहरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें सभी शहीदों का बलिदान याद रखना चाहिए। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आजादी के इस पर्व पर शहीदों के बलिदानों के प्रति शहरवासियों को जागरूक किया। आज 15 अगस्त 78वां स्वतंत्रता दिवस आज हर साल की भांति पार्टी पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान सभी समाजवादियों ने, पार्टी के सांसद अध्यक्ष, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने आज बनाया। हम अपने शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको सलूट करते हैं कि जिन्होंने अपनी भरी जवानी में अपनी जान की कुर्बानी देकर, जेलें काटकर हम लोगों को आज़ादी अंग्रेजों से दिलाई, हमें स्वतंत्र किया, ऐसे शहीदों को नमन करते हुए हम पूरे अपने शहरवासियों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, धन्यवाद देना चाहते हैं। और हर शहर के नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि इस स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से मनाएं, अपना योगदान इस देश को मजबूत करने में जिस रूप में दे सकते हैं, उस रूप में अपने देश को मजबूत करने के लिए हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो कार्य करे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।